नहीं, वो बहुत ही तो सिंपल ही जिंदगी जीते हैं। मैंने कभी भी उनको एक मतलब लैविशिंग, जैसे कि एक रिच आदमी जब हम सोचते हैं मतलब ऑडी से निकलेगा, ब्लेजर से, मैं उतना ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब आपको लगेगा हाँ एक नॉर्मल बंदा जा रहा है, पर जो जानता नहीं होगा हो सकता है वो जान भी नहीं रतन टाटा को, इतना सिंपल है वो। तो अगर देश का प्रेसिडेंट बने तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो राजनीति करना नहीं चाहते और उनका उम्र भी अभी सफिशिएंट हो गया है। तो यंग मास के लिए उनका जो है हाँ प्रेरणा है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना चाहिए। सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट मेथड एग्जीक्यूटेड बाय हिम ओवरऑल बाय एनी पर्सन इन द अर्थ। तो हमारा देश में जो अंबानी जी है वो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, खुद के लिए भी किए हैं, सबके लिए किए हैं। इनफैक्ट रतन टाटा इज डिफरेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, बट फिलैंथ्रोपी किसे कहते हैं उन्होंने वो जस्टिफाई कर दिया है और ही इज ए ट्रू पैट्रियट। और आजकल का जो यंग जनरेशन है उनको जरूर फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर कोई सही मायने में अगर रिच है और पैट्रियट है तो वो रतन टाटा जी हैं। उसने जब एक बार वो गया था विदेश में अपनी कंपनी बेचने के लिए तो वहाँ पे उसको मजाक उड़ाया गया था। उस टाइम वो अपना वापस आया और उसने कंपनी लॉस में जाते हुए भी दो कार उसने निकाला था। वो आज के डेट में देखिए आसमान छू रहा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, वो कंपनी अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट वो जो भी बनता है वो सब क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो टाटा बहुत अच्छा है। हम लोग जितना जानते हैं रतन टाटा बहुत पर्सनली बहुत अच्छा है। उनके भारत में उनके कम से कम 5-6 लाख एम्प्लॉई रहते होंगे। एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही बड़ा उनका बिजनेस है, लेकिन वो पर्सनालिटी उनका ऐसे है जो छोटे से आदमी से लेकर बड़े आदमी से को। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि रंजन आपका भाई, आप सबको आपकी चैनल मैचो नेशन टीवी पर फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं इंडिया के जो आवाम है, एजुकेटेड मास है, उनको मैं पूछूंगा कि रतन टाटा के बारे में वो क्या सोच रखते हैं। जब टाटा का नाम हम लेते हैं सबसे पहले क्या चीज़ अपने दिमाग में थे, या फिर जो रतन टाटा का जो आइडियोलॉजी है, उनका जो पर्सनलिटी है, क्या आज का यंगस्टर उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं, ये सारी बात आज इसी वीडियो में करेंगे। और मेरा जो पर्सनल कमेंट है आज इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलते वीडियो की तरफ, फिर मिलता वीडियो का बाद में। मैं अपूर्व रंजन दास, मैं एक एजुकेटर हूँ, मैं UPSC OPSC बैंकिंग ये सब स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, नाइस टू मीट यू। सर पर्टिकुलरली आज का जो सब्जेक्ट हमने रखा है टाटा कंपनी के ऊपर, आपको पता ही होगा इंडिया में जैसे अंबानी, अदानी, रतन टाटा जैसे बहुत सारे बिजनेस मैन है या फिर कंपनीज है, तो टाटा कैसे बैरी कहता है या फिर टाटा कैसे उनसे अलग होता है, रतन टाटा कैसे इंसान है, आपको क्या लगता है उनके ऊपर विचार विमर्श करिए। देखिए मेरा जो विचार है रतन टाटा जी का बायो, जितना दूर मैं जानता हूँ कि वो एक स्वच्छ इंसान है, जिसको एक बार कि मैं देखा था कि वो अगर देश का प्रेसिडेंट बने तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो राजनीति करना नहीं चाहते और उनका उम्र भी अभी सफिशिएंट हो गया है। तो यंग मास के लिए उनका जो है हाँ प्रेरणा है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना चाहिए। सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट मेथड एग्जीक्यूटेड बाय हिम ओवरऑल बाय एनी पर्सन इन द अर्थ। तो हमारा देश में जो अंबानी जी है वो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, खुद के लिए भी किए हैं, सबके लिए किए हैं। इनफैक्ट रतन टाटा इज़ डिफरेंट इन द फील्ड ऑफ एवरीबॉडी, ऐसे कि नहीं कि मैं एक बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जो भी आदमी है यहाँ पर वो लोग रतन टाटा का लाइफ फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी है और उनका जो वर्किंग मेथड है बहुत अच्छा है, वो इंडियन को ज़्यादा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने काम में और बहुत अच्छा बिलीव रखते हैं अपनी मातृभूमि के ऊपर। जो चीज़ यहाँ पर बनाया जाए वो यहाँ फेमस हो, लेकिन पहले क्या हुआ था जो देश विदेश से आपका जो हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं था, हम लोग क्या जनरली किए कि देश विदेश का मेथड यूज़ किए यहाँ पर, रिस्क लेना एबिलिटी हमको जो रतन टाटा जी बोले हैं कि खुद का एक उद्योग बनाओ और खुद उद्योगपति बनो, बाकी दूसरे देशों में एक एग्जाम्पल एक मिसाल आप लोग कायम रख सकते हैं, इतना ही बोलना चाहूँगा। लेकिन बाकी जो है ना काम करते जाना चाहिए उनका मेथड से। आप कह सकते हैं कि रतन टाटा के ऊपर, तो ओवरऑल जब रतन टाटा के नाम आप सुनते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको दिमाग में आता है, या फिर रतन टाटा जी का पर्सनैलिटी कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मेनली तो पहले बार अगर मैं उनका नाम सुनता हूँ तो एंटरप्रेन्योर का नाम ही आता है, और एंटरप्रेन्योर मतलब आज तो ट्रेंड ही एंटरप्रेन्योरशिप का है, जैसे कि आपका शार्क टैंक हो गया, ये हो गया। तो रतन टाटा जी ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे कि स्नैपडील में भी इन्वेस्टमेंट किए थे, वो तो अलग बात है कि स्नैपडील अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, पर वो भी स्टार्टअप को चांस देते हैं, करते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं यही बोलूँगा कि हमेशा ही उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, मतलब हो सकता है कि हम जियो का नेट यूज़ कर रहे हैं, इनका उनका योगदान हर किस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा। ओवरऑल आप मुझे बताइए कि आज का जो जनरेशन यंगस्टर है हम उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि देखिए
अगर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हम समझ रहे हैं ना, तो पहले दिमाग में आता है प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज, पर वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं नेशन को बिल्ड करने में, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। मैं क्या सोचे रतन टाटा आपको कैसा लगता है, या फिर आज का जो यंग जनरेशन है रतन टाटा से क्या सीखना चाहिए? एक्चुअली ही इज़ ए ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन, बट फिलैंथ्रोपी किसे कहते हैं उन्होंने वो जस्टिफाई कर दिया है, और ही इज़ ए ट्रू पैट्रियट। और आजकल का जो यंग जनरेशन है उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर कोई सही मायने में अगर रिच है और पैट्रियट है तो वो रतन टाटा जी हैं। तो आपको लगता है कि वो जो ऐसे तो बिजनेसमैन है ही, तो आपको लगता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसमैन वो है या फिर ऐसे डोनेटेड ओरिएंटेड बिजनेसमैन है? देखिए प्रॉफिट करेंगे तभी डोनेट करेंगे, तो प्रॉफिट करते हैं और साइमल्टेनियसली डोनेट भी करते हैं, तो प्रॉफिट क्योंकि उनको पता है वो जितना प्रॉफिट करते हैं वो सारा लेके जाने वाले हैं नहीं, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो डोनेट करते हैं और पुअर पीपल को हेल्प करते हैं। तो हमको उनसे बहुत कुछ सीखना है और यंग जनरेशन को तो बिल्कुल फॉलो करना है। आपको टाटा कंपनी पर्टिकुलर कैसे लगता है, मुझे बताया टाटा जो है रतन टाटा जी कैसे लगता है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, वो कंपनी अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट वो जो भी बनता है वो सब क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो टाटा बहुत अच्छा है। मतलब क्यों अच्छा लगता है टाटा अंबानी, क्यों अच्छा नहीं लगता है, या फिर रिलायंस जो भी हो उनका, तो क्यों टाटा सबसे अच्छा लगता है, क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है, एक दो लाइन बता। क्योंकि मेरे को जो भी प्रोडक्ट खरीद करना है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, भरोसा करना है वो टाटा पे। रतन टाटा का हम लोग तो बचपन से जानते हैं, उनका छोटे से लेकर बड़े तक जो भी प्रोडक्ट है हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। रतन टाटा पर्सनली बहुत ही अच्छा है, हम लोग जितना जानते हैं रतन टाटा बहुत पर्सनली बहुत अच्छा है, उनके भारत में उनके कम से कम 5 से 6 लाख एम्प्लॉई रहते होंगे, और रतन टाटा के बारे में बस इतना ही जानते हैं।